मैथ सॉल्यूशन के ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि क्लास 8 का चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.5 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को अगर समझ लेते हैं तो इसके बेस पर कुछ एप्लीकेशंस हमें सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके 10 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट। और इस तरह की एक्सरसाइज में, यानी कि इस एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे कि डिनोमिनेटर को आपको रिमूव करना है, और डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सारे वीडियोस को, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रिमूव करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे स्टार्ट करते हैं इसे देखिए। हम लोग सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे और इनका कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इनका एलसीएम, तो हम लोग 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम पता करेंगे। तो आप लोग एलसीएम पता करने का तरीका जानते हों, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। 2, 5, 3, 4, तो इनका एलसीएम हम लोग पता करने वाले हैं। 2 से ही डिवाइड हो जाता है इसलिए 1 टाइम, 5 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 हो जाता है 2 टाइम। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 है, ये 5 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, 2 हो जाता है इसलिए 1 टाइम। फिर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, तो ये 1 टाइम, ये 5 एज इट इज़, ये 1 टाइम और ये भी 1 टाइम। और इस तरह से मैं अगर 5 से भी डिवाइड करूँ तो सारे मेरे पास 1, 1, 1 बच जाते हैं। तो ये रहा आपका एलसीएम, यानी कि इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाता है 2 × 2 × 3 × 5। और इस तरह से हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 है, और 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 60। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको 60 से इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँ मल्टीप्लाई बाय 60 बोथ साइड। तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 60 × x / 2 − 60 × 1/2 = 60 × 3, और इसके साथ x तो है ही, प्लस 60 × 1/4। हम इसे सोल्व करेंगे तो जो कट होता है उसे कट कर लेते हैं, तो ये कट हो जाता है हमारा 30 टाइम, तो ये हुआ आपका 30x माइनस ये हुआ, ये भी आपका क्योंकि यहाँ पर 5 था तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 टाइम = चूँकि यहाँ पर 3 है, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20x प्लस, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ओके, अब चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो इसे हम लोग आराम से सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 30 और 20 में से 20 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर 20 का ट्रांसफ़र करते हैं राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा चेक करिए, 30x माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, 20x = कितना होगा। अब हम एक साथ भी काम कर सकते हैं, इसे ट्रांसफ़र करिए, अब हमें क्योंकि माइनस 12 जो है इसे भी इस साइड ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग इसे एक साथ ही ट्रांसफ़र करेंगे। 15 हमारे पास था, ये हो जाएगा प्लस 12। तो इस तरह से हम लोग दो एक ही स्टेप में काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमें मिला 10x = और यहाँ पर मिला हमें 27, फिर से इस 10 का हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं राइट साइड में तो हमें क्या मिल जाएगा, x = 27/ जैसा कि क्वेश्चन 2 आपके सामने है, इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हैं,
तो डिनोमिनेटर को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इनका कॉमन मल्टीपल चेक करना होगा, और जब अपन कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे तो 2, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल हम लोग किस तरह से पता करेंगे, एलसीएम के थ्रू। तो हमारा जो एलसीएम निकालने का मेथड है ये रफ वर्क है, 2, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम पता करेंगे, और जो कि बहुत ही ईजी है, आपके समझ में भी आ रहा होगा, 12 होने वाला है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो, सारे डिवाइड हो जाते हैं 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, फिर एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3, नहीं होता है, हम लोग फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 12 है। तो ये 12 जो है, मैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 12 है बोथ साइड, ओके। तो हम लोग 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 एन अपॉन 2 माइनस 3 एन अपॉन 4, इसमें भी हम लोग क्या करें, 12 को मल्टीप्लाई करें, प्लस मैं यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 एन अपॉन 6 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, 2 से 12 कट हो जाता है और इस तरह से हमारे पास मिलता है 6 एन, माइनस 4 और 12 भी कट हो जाता है और इस तरह से हमें मिलता है 3 टाइम्स, यानी कि 3 एन मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 9 एन हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समझना है कि ये जो 3 है और ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों ही, और मल्टीप्लाई होने से 9 एन हो जाएगा, ओके। फिर आगे सोल्व करते हैं, इसी तरह से 6 और मैं इसे 2 से डिवाइड हो जाता है 12 है, तो अब 2 जो है वो 5n से मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 5, जो कि 10n हो जाता है, इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग सोल्व करते जा रहे हैं। 21 और हम लोग 12 को सोल्व करेंगे तो 2 और 24 एंड 25, इट मीन्स 252 हमें मिल जाता है। अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास यहाँ सारे के सारे सेम वेरिएबल्स हैं, एन है, और इनको हम लोग सोल्व कर देते हैं, 6n - 9n + 10n, तो यहाँ पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे पहले और फिर नेगेटिव कर लेंगे हम लोग, ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10n और 6n को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 16n, और माइनस 9n इज इक्वल टू 252, हम लोग 16n - 9n कर लेते हैं 1n, तो हमें क्या मिलने वाला है, 7n इज इक्वल टू 252। और हम क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए इस 7 का भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा n इक्वल टू 252 अपॉन 7। चलिए, तो चूंकि हम लोग अब 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 252 एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 7 से डिवाइड किया हमने 25 को, तो 3 टाइम डिवाइड हो जाता है, और रिमेनिंग जो हमारा रिमाइंडर है वो 4 होता है, और अगर 4 को मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पर तो 42 हो जाता है, और 42 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है 6 टाइम। तो इस तरह से हमें n की जो वैल्यू है वो मिलती है 36, इट्स योर आंसर, और हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।